को इन फाइव एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा फायदा मिला है तभी मैंने आपको ये सबसे पहले यही वाली एक्सरसाइज बताई है अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फाइव और एक्सरसाइज लेके आऊंगी जिससे मेरा बॉडी फैट और भी कम हुआ हेलो गाइस कैसे हैं आप सब मैं ठीक आई हूँ क्या आप सब ठीक होंगे स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा वर्ड लाइफ स्टाइल में तो आज मैं आपको पांच एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिससे मैंने साढ़े तीन महीने में बीस किलो कम कर लिया और मेरी बॉडी पर ये काफी असरदार रही मैंने अपने वजन बहुत तेजी से घटाया इन पांच एक्सरसाइज से तो आप लोगों लोग काफी कमेंट्स आए हैं कि आप एक्सरसाइज से वीडियो बनाओ मैं आज आपको पांच एक्सरसाइज बताने वाली हूँ अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पांच एक्सरसाइज और बताऊंगी तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज़ करने से पहले मैं वार्म करती हूँ यानी अपनी बॉडी को फ्री करना इससे हमारी बॉडी एक्सरसाइज के लिए तैयार होती है इसमें हम जंप कर सकते हैं रस्सी कूद सकते हैं या फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं इन्हीं सभी चीज़ों को हम अप कहते हैं इसका सीधा आसान मतलब है हमको कोई भी बड़ी एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना चाहिए जिससे हमको एक्सरसाइज करने में हेल्प मिलती है वार्म अप में हम एक्सरसाइज से पाँच दस मिनट पहले वॉक कर सकते हैं यानी चल भी सकते हैं जिससे हमारी बॉडी अच्छे से फ्री हो जाएगी और हम एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएंगे मैंने कभी भी कोई जिम ज्वाइन नहीं की है मैंने घर पर ही एक्सरसाइज करके साढ़े तीन महीने में अपना बीस किलो वजन कम कर लिए ये वाली एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत ज़्यादा असरदार थी इसलिए मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके नंबर वन है स्क्वैट्स जिससे मैंने अच्छा खासा अपना थाई फैट कम किया इसे है इससे हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं इसके साथ ही हम जब अपने घुटनों को मोड़ते हैं और ऊपर उठाते हैं जिससे हमारी बैक और शोल्डर मसल्स इंगेज होते हैं स्क्वेड्स करना बहुत ही असरदार एक्सरसाइज है इससे हमारा थाई फैट बहुत जल्दी कम होता है इस एक्सरसाइज को करने से हमारे थाई पर प्रेशर आता है और इसके आसपास जमा हुआ फैट कम होने लगता है और हमारे थाइस के साथ साथ पूरी लोअर बॉडी परफेक्ट शेप में आने लगती है शुरुआत में हमको स्क्वेड्स के एक दिन में दस दस के दो सेट करने चाहिए जिसमें बस आपको दो मिनट ही लगेंगे फिर उसको बढ़ाकर बीस बीट स्क्वैड्स के दो सेट कर सकते हैं जिसमें दिन के पंद्रह मिनट ही लगेंगे हम अपनी बॉडी के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं इससे हमारी पेट फैट और वेट आसानी से कम होता है और ये बहुत ज़्यादा थाइस के लिए असरदार एक्सरसाइज़ है मेरी थाइस पर बहुत ज़्यादा ही फैट था मैंने इस एक्सरसाइज को करके अपना थाई फैट कम किया और अभी भी मैं इसी पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ क्योंकि ये काफ़ी ही ईजी है हम लोग इसको ईजी वे में बोले तो जैसे हम चेयर पर बैठते हैं ना वैसे ही बैठना है और उसी तरह से बैठें और उसी तरह से उठ जाए बहुत ज़्यादा ही सिंपल है ये एक्सरसाइज नंबर टू है जो कि बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स मैं जब भी एक्सरसाइज करती हूँ तो स्कूल के दिन मेरे को याद आ जाते हैं जैसे कि हम स्कूल में करते थे जैसे कि हम स्कूल में कूदते उछलते थे ऐसे ही हम इसमें भी उछल कूद रहे हैं शुरुआत में वह इस एक्सरसाइज को बस बीस बीस के तीन सेट करती थी बट अब मैं तीस तीस के तीन सेट करती हूँ इसमें हाथों और पैरों को उछालना है इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है इससे कुछ ही मिनटों में काफ़ी कैलरीज़ बर्न हो जाएंगी इससे हमारा दिल मज़बूत होगा हड्डियाँ मज़बूत होगी और बॉडी के स्टेमिना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है नंबर तीन है बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं तितली आसन जो कि अगेन बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है इसके बहुत सारे फायदे हैं ये लेडीज़ के लिए काफ़ी फायदेमंद है जिसको पीसीओडी है पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हार्मोनल डिसबैलेंस और प्रेगनेंसी से रिलेटेड इशू हैं तो उनके लिए बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है इससे नाभि के नीचे की मसल्स खुलने लगती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं और अब बात करते हैं जेंट्स की जेंट्स में यूरिन से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम होती है तो अगर वो भी बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे तो उनको भी काफ़ी फी बेनिफिट्स मिलेंगे इससे जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद है हमारा थाई फैट हमारी बैक का फैट इससे काफ़ी कम हो जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज मत करें और जो जिनको नहीं है वो ये सब कर सकते हैं और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे फायदे हैं जो कि मैंने आपको बताया है नंबर फोर की एक्सरसाइज है ये हमारे साइड फैट के लिए बहुत ज़्यादा ही असरदार है सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से लॉक करके सर के पीछे अच्छे से रख कर और एक तरफ अपनी बॉडी को नीचे की तरफ झुकाना है और यहाँ पर एक तरफ झुककर हमको 10 से 15 सेकंड के लिए रुकना है और फिर उसी तरह से वापस ऊपर आना है और दूसरी तरफ झुकना है ध्यान रखें आपकी जो एल्बो है वो नी के पास जाए हो सके तो नीचे की तरफ ज़्यादा ले जाएं जितना ज़्यादा आप दोनों तरफ ज़्यादा टाइम के लिए रुकोगे उतना ही फ़ायदा होगा मैं स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज के 20-20 के दो सेट करती थी लेकिन अब मैं 40-40 के दो सेट करती हूँ जिससे मेरे कपड़े के जो साइड से टाइट होते थे वो लूज़ होने लगे हैं ये एक्सरसाइज हमारे साइड फैट को बहुत ज़्यादा कम करता है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा अच्छा है नंबर फाइव है हाई नीज एक्सरसाइज़ हाई नीज करना बहुत ही आसान है इस एक्सरसाइज में हमको अपनी नीज़ को ऊपर की ओर ले जाना है और मैं इस एक्सरसाइज के तीस तीस के तीन सेट करती हूँ लेकिन जो बिगनर है यानी जो शुरुआत ही कर रहे हैं वो कम से कम से ही स्टार्ट करने चाहिए उनको हाई नीज करने के कुछ दिनों में ही रिज़ल्ट दिखने के लगते हैं हमारी लोअर बॉडी का फैट ईज़िली बहुत ज़्यादा अच्छे से कम होने लगता है जॉइंट्स मज़बूत होते हैं और हमारी बॉडी का स्टेमिना है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ता है साथ ही इस एक्सरसाइज से लोअर रेट के साथ पेट की चर्बी भी कम होती है और इससे हमारा वेट लॉस ईज़ली होता है आप बताना आपको मेरी एक्सरसाइज कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आज की एक्सरसाइज बस यहीं तक थी मेरे को इन फाइव एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा फायदा मिला है सभी मैंने आपको ये सबसे पहले यही वाली एक्सरसाइज बताई है अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फाइव और एक्सरसाइज लेके आऊंगी जिससे मेरा बॉडी फैट और भी कम हुआ है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कमेंट करके अगर आप नए हैं तो या न्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पुराने हैं नए हैं दोनों हैं तो एक लाइक करना मत भूलें और आपको मेरी नई वीडियो कल मिलेगी ओके थैंक यू सो मच बाय बाय